हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति गुलोक उजागर अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति गुलोक उजागर अंजन भरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति गुलोक उजागर जय केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता वन बसिया प्रभु क्षमा कर दीजिए मुझे, मैं अधम आपको सम्मोहित करने चला था। आपने तो मेरे इष्ट प्रभु शिव से मिला दिया मुझे, मेरा तो जीवन धन्य हो गया प्रभु। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई हनुमान, मुझे क्षमा करें। क्या कर रहे हैं? उठिए। आप मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हैं? आपने मुझे मेरी माँ के दर्शन कराए हैं, मैं तो आभारी हूँ आपका। हनुमान मेरे प्रभु, जय भोलेनाथ, जय हो प्रभु, नारायण नारायण। प्रणाम बुद्धदेव। प्रणाम हनुमान जी। आपने तो मुझे ही नहीं मयाक्ष को भी मुक्त करा दिया हनुमान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। अब आप अपना उचित स्थान ग्रहण कीजिए। अब मैं मंगल देव, शनि देव, बृहस्पति देव और शुक्र देव इनकी स्थिति पूर्ववत करने जाता हूँ। किंतु पुत्र हनुमान, आपको यह कार्य पूर्णिमा के पूर्व ही संपन्न करना होगा, अन्यथा महाप्रलय को कोई नहीं रोक पाएगा। रावण के दूत ने मयाक्ष को ऐसी ही सूचना दी थी, जबकि पूर्णिमा निकट ही है। आप चिंता ना करें, मैं प्रयास करता हूँ बुद्धदेव। आज्ञा दें। प्रणाम। विजयी भव। इतने कम समय में चारों ग्रहों की मुक्ति असंभव प्रतीत होती है। यदि कोई अन्य बाधा आ गई तो संसार को महाप्रलय से कोई नहीं बचा पाएगा। और रावण अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा। जय 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 रघुनंदन राम, जय जय
जय महाबली हनुमान। जीव जगत के हुए हैं रक्षक, बने हैं असुरों के ये भक्षक। मंगल की अब हरने पीड़ा, चले हनुमान उठाए पीड़ा। सब जीवन के हैं ये रखवारे, हनुमत है प्रभु राम के प्यारे। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन। इनमें से सत्य मंगल देव कौन है? मैं किन्हें मुक्त करूं? किनके पास जाऊं? ये तो बड़े ही विचित्र पहेली है। इतने सारे मंगल देव, कौन सच्चा है? किन्हें मुक्त करूं? किसके पास जाऊं? मैं हूं किंकर। किंकर का चक्कर महाभयंकर बालक। इस चक्कर में तुम भी उलझ जाओगे। पहचानो इनमें कौन है असली मंगल, पहचानो। मैं हूं मंगलदेव, मुझे मुक्त करो पुत्र। नहीं, मैं हूं मंगलदेव, मैं सत्य में ही मंगलदेव हूं पुत्र, मुझे मुक्त करो। नहीं नहीं, मैं हूं मंगलदेव पुत्र, मैं सत्य में ही मंगलदेव हूं, मुझे मुक्ति दिलाओ। नहीं नहीं, मैं हूं मंगलदेव पुत्र। नहीं पुत्र, मैं हूं मंगलदेव, मुझे मुक्त कराओ पुत्र, मुझे मुक्ति दिलाओ। मैं हूं मंगलदेव, मुझे मुक्त करो पुत्र। नहीं नहीं, मैं हूं मंगलदेव पुत्र। किंकर का चक्कर महाभयंकर। इस चक्कर में तुम भी उलझ जाओगे इस पूर्णिमा तक। अब प्रलय को कोई नहीं रोक पाएगा। मंत्री जी, आप फलों की व्यवस्था करवाइए। जी पुरोहित जी। ये लीजिए पुरोहित जी। ये नवग्रह क्या होते हैं? थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो नल। ऊपर दूर अंतरिक्ष में नवग्रह होते हैं। ये यज्ञ उन्हीं ग्रहों के लिए होता है। अच्छा, किंतु वो तो बहुत दूर होते हैं। उन नवग्रह के हिलने से इस प्रलय का क्या संबंध हो सकता है? मैं बताता हूँ बालकों। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये सात दिनों के नाम से सात ग्रह हैं। इनमें ब्रह्मा जी ने राहु और केतु को भी मिला दिया। ये नौ ग्रह अंतरिक्ष मंडल में स्थित हैं। इनकी हर हलचल का सीधा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। ये ग्रह अपने निर्धारित मार्ग पर चलते हैं। यदि किसी कारणवश ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएं, तो पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, प्रलय की स्थिति भी बन जाती है। हनुमान, तुम इन्हें मुक्त कराने आए हो, ये तुम्हें जीवन से मुक्त कर देंगे। मंगलदेव, पूरी शक्ति के साथ प्रहार करो हनुमान पर। हा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 
आक्रमण करो। मेरी आज्ञा की अवहेलना का अर्थ जानते हो? आक्रमण करो, अन्यथा लंकेश की शक्ति को तुम भली भांति जानते हो। करो आक्रमण। आनंद, अति आनंद, किंकर का चक्कर महाभयंकर। ये तो प्रहार पे प्रहार किए जा रहा है नित्य हनुमान पर। कैसे बचाएगा हनुमान स्वयं को? तुम प्रतिघात करना चाहते हो तो सोच लो, यदि तुम्हारे प्रतिघात से वास्तविक मंगल का अंत हो गया तो। सत्य कह रहा है ये मंगल देव तो सारे एक जैसे दिख रहे हैं। किस पर प्रहार करूं, किसे छोड़ दूं, अब इस उलझन को कैसे सुलझाऊं मैं? पुत्र, यज्ञ में दी गई आहुतियों से ही देवताओं और ग्रहों को बल मिलता है। यज्ञ में तो स्वयं केसरी जी और अंजना को बैठना चाहिए। माता पिता यदि स्वयं यज्ञ करें तभी यज्ञ का लाभ मिल पाएगा पुत्र को। मैं पुनः समझाती हूँ अंजना को। ये तो अतिबल है, ये यहाँ क्या कर रहा है? आओ नानी आओ, बड़े ही उचित समय पर आई हो। यही अवसर है अंजना का भेद खोलने का। बल बला बल बल। अतिबल अंजना के कमरे में क्या करने जा रहा है? Thank you.
अतिबल, मेरी चेतावनी के बाद भी तुमने यहाँ आने का दुस्साहस किया? ओहो मार्जरिका, मैं तुम्हें यहाँ शत्रुओं के बीच कैसे छोड़ सकता हूँ? चलो चलो मेरे साथ लंका चलो, अन्यथा लंकेश मुझे दंडित करेंगे। चलो चलो मेरे साथ। लंकेश से पहले मैं तुझे दंडित करूंगी। एक बात कान खोल के सुन लो अतिबल, अब यहाँ मेरा कोई शत्रु नहीं है। मार्गारिका, छोड़ो मुझे। मैं यहाँ आई थी लंकेश के कहने पर अंजना बनकर। आखिर माजरिका का भेद भूल ही गया बलबला बलबल। ये तो राक्षसी है, मेरी अंजना कहाँ है? मुझे शीघ्र जाकर किसी जी को बताना होगा। ये तो अनर्थ हो गया, अब मैं क्या करूं? ये तुम्हारी चाल थी? मुझे छोड़ो, पकड़ो उस नानी को, अंत कर दो उसका, अन्यथा वो तुम्हारा अंत कर देगी। क्यों हनुमान, रुक क्यों गए? करो पलटवार, करो प्रहार करो मंगलदेव पर, समाप्त करो सबको। किंकर का चक्कर महाभयंकर। उलझे रहो हनुमान, उलझे रहो। कैसी ये उलझन है, क्या करूं मैं? लगता है पूर्णिमा तक हनुमान इस किंकर के चक्कर में ही उलझा रह जाएगा। देख क्या रहे हो, मेरे बंदी मंगल देवो आखर बन करो। करो आक्रमण। क्या करूं, कौन है असली मंगलदेव, कैसे ज्ञात करूं? भ्रमित हुए संकट मोचन, कैसे मंगल के खुले बंधन, इतने मंगल में कौन मूल, संकट में होना कोई भूल। धैर्य धैर्य, माँ कात्यायनी का वरदान है वही वीर, जय जय हनुमान महावीर। हे माता कात्यायनी, मुझे इस भ्रम की माया से निकाल दीजिए। माँ कात्यायनी का वरदान। कभी भी किसी भ्रम में पड़ जाओ तो मुझे स्मरण करना। हे माता कात्यायनी, मुझे इस भ्रम की माया से निकाल दीजिए।
करो आक्रमण। ये मंगलदेव, ये सीधे मुझ पर प्रहार नहीं कर रहे हैं। पिताश्री भी गदा युद्ध अभ्यास में बचा बचा कर प्रहार करते हैं, कहीं ये मंगलदेव तो नहीं? कहीं ये सत्य में मंगलदेव तो नहीं? तुमसे नहीं हो रहा है ना, तो मैं कर देता हूं इस नानी का अंत। सत्य निकला। दुष्ट वानर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सखा, धन्यवाद सखा।
हे मंगलवार को जन्मे मंगल मूर्ति हनुमान, मुझे मुक्त कराने के लिए धन्यवाद। अब शीघ्र ही जाकर अन्य ग्रहों की दिशा भी ठीक कीजिए। पूर्णिमा से पहले अगर सभी ग्रहों की दिशा ठीक ना हुई तो इस संसार को महाप्रलय से कोई नहीं बचा पाएगा। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। आज्ञा दे मंगल देव। प्रणाम। ध्यान रहे पुत्र, आसुरी शक्तियां बाधाएं डालेंगी, तुम्हें भटकाएंगी, किंतु तुम्हें अपने लक्ष्य पे अडिग रहना है। अब यहां से सीधे जाकर शनि देव को मुक्त कराओ। तुम्हारी विजय हो पुत्र। मुझे शीघ्र ही जाकर शनि देव को मुक्त कराना होगा। समय बहुत ही कम है, पूर्णिमा निकट ही है। लगता है प्रलय हो ही जाएगी। मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा। न जाने ग्रहों की स्थिति अब ठीक हो भी पाएगी या नहीं। प्रणाम देवराज। प्रणाम चंद्रदेव। प्रणाम महारानी। क्या स्थिति है ग्रह मंडल की? देवराज, कोई भी देवता कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपकी भांति सब विवश है, किंतु छोटा सा वानर बालक अंजनेय हनुमान सब देवों से बढ़कर महादेव के समान कार्य कर रहे हैं। हम ग्रहों को मुक्ति दिला रहे हैं। हाँ चंद्रदेव, हनुमान के तो हम सदा आभारी रहेंगे, किंतु अब वो शनि देव को मुक्त कराने के लिए शनि लोग गए हैं और वहां शनि देव के विपरीत प्रभाव के कारण कठिन परिस्थितियों में फंस गए हैं। शनि लोग वहां तो सबकी गति अवरुद्ध हो जाती है, बुद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाने के कारण हनुमान कैसे अपनी वरदानी शक्तियों का प्रयोग कर पाएगा वहां? गति अपने आप कम कैसे हो गई? ये क्या हो रहा है? मैं गति बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ किंतु गति और कम हो रही है। मेरी ऐसी ही गति रही तो पूर्णिमा के पूर्ण सबको मुक्ति दिलाना असंभव हो जाएगा। लंकेश रावण की भेजी हुई राक्षसी हूँ, यही मेरी सच्चाई है। माँ माँ मत कहो मुझे, मेरी अंजना कहाँ है? क्या किया है तुमने उसके साथ? मैंने अंजना का कोई अहित नहीं किया है। मुझे तो लंकेश ने हनुमान का अहित करने के लिए भेजा था, हनुमान ने मुझे माँ बोलकर मेरा हृदय बदल दिया।
आपकी पुत्री अंजना स्वर्ग में है। जा, तू भी वानरी हो जाएगी। तू शोक न कर पुत्री, तुम्हें भगवान महादेव के अंश को जन्म देना होगा। उसके कुछ काल पश्चात तुम्हें अपना अप्सरा रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा। मैंने हनुमान को वचन दिया है कि जब तक वो सभी ग्रहों की स्थिति सुधार कर अपनी माँ अंजना को लेकर वापस नहीं लौटता, तब तक मैं सुमेरु में रहकर सबकी देखभाल करूंगी। यदि मैं चली जाती तो आप सब विचलित हो जाते कि महारानी अंजना कहाँ गई। ना आप यज्ञ कर पाती और ना ही कोई और कार्य। तुम मायावी राक्षस हो, मैं तुम्हारी बातों का कैसे विश्वास करूं? जो सत्य था मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो इस भेद को भेद ही रहने दें, या फिर मेरी सच्चाई बताकर सबको विचलित कर दें। मेरे भाग्य में जो लिखा है वो तो मैं भुगतूंगी। सुनो हनुमान, ध्यान से सुनो। शनि लोक में सबकी गति और मति दोनों मंद पड़ जाती है। तुम्हारी तीव्रता, तुम्हारी वरदानी शक्तियां यहां काम नहीं आएंगी हनुमान। हनुमान, मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। प्रसन्न मत हो शनिदेव, ये वानर यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। शिथिल कर दो इसे। मुझ पाषाणासुर का आदेश लंकेश का आदेश है। तुम्हारी टेढ़ी दृष्टि जगत में कुख्यात है अपने दुष्प्रभाव के लिए। इस वानर पर अपनी शनि दशा का प्रभाव डालो। सोच विचार मत करो शनि देव, मेरे आदेश का पालन करो। दशा बिगाड़ दो इस वानर की। प्रभु, शनि देव की टेढ़ी दृष्टि से देव, दानव, मानव कोई नहीं बच सकता। फिर रावण और उसकी लंका कैसे बचे रहे? शनि देव क्यों सहजी लंकेश के बंधन में बंध गए? प्रिय, रावण ब्रह्मदेव और महादेव के वरदानों से रक्षित है, जिनके अनुसार
उसे कोई भी देवता परास्त नहीं कर सकता। समस्त ग्रहों के अधिष्ठाता भी देवता हैं। इसलिए उन वरदानों का सम्मान रखते हुए शनि देव सहित सभी ग्रहों को उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। अब भाग्य की विडंबना देखिए। अपनी शनि दशा के प्रभाव से सबकी परीक्षा लेने वाले शनि देव को अब स्वयं भी अपने धैर्य की परीक्षा देनी पड़ रही है। शनि देव, जो मैंने कहा है वो करो। नहीं, रावण के कहने पर मैंने अपनी स्थिति परिवर्तित कर, किंतु हनुमान पर अपनी शनि की दशा का प्रभाव नहीं डाल सकता। यदि ये प्रभाव एक बार पड़ गया तो फिर मैं उसे वापस नहीं लौटा सकता। शनि देव, तुम मात्र मेरे आदेश का पालन करो, अपना प्रभाव डालो। शनि देव को समझ नहीं पाया है ये राक्षस, इसे बताना ही पड़ेगा शनि देव क्या है। शनि दशा का प्रभाव डालना है ना, लो यह है शनि दशा का प्रभाव। पद्मासनः पद्मकरः पद्मगर्भः समद्युतिः सप्ताश्वः सप्तरज्जुश्च द्विभुजः स्यात् सदा रविः श्वेतः श्वेताम्बरधरः श्वेताश्वः श्वेतवाहनः गदापाणिर्द्विबाहुश्च कर्तव्यो वरदः शशी रक्तमाल्याम्बरधरः शक्तिशूलगदाधरः चतुर्भुजः रक्तरोमावर्दः स्यात् धरासुतः पीतमाल्यांबरधर कर्णिकार समद्युति खड्ग चर्म गदा पाणी सिंहस्तो वर्दो बुध देवानाम गुरु तद तपीत वर्ण चतुर्भुज दंडी च वरद कार्य साक्ष सूत्र कमंडलु दैत्यानाम गुरु तद श्वेत वर्ण चतुर्भुज दंडी च वरद कार्य साक्ष सूत्र कमंडलु। मैं क्या करूं, इस राक्षसी पर विश्वास करो या केसरी जी को सब बता दो? यदि उन्हें पता चल गया तो। हे प्रभु, हनुमान को अपने कार्य में शीघ्र सफलता दीजिए, जिससे वो ग्रहों को मुक्त करा के शीघ्र लौट आए। ना जाने क्या हो रहा होगा मेरे सुमेरु में, मेरे स्वामी केसरी जी कैसे होंगे, हनुमान भी न जाने अभी कहाँ होगा। अब तो ये वानर शनि के प्रभाव से हिल भी नहीं सकेगा। अब मेरे कंठ काष्ठ के एक ही वार से इसका नाश हो जाएगा। ना जाने क्या हो रहा होगा मेरे सुमेरु में, मेरे स्वामी केसरी जी कैसे होंगे, हनुमान भी ना जाने अभी कहाँ होगा। हम तो अप्सरा धर्म का पालन करते हुए नाच नाच के क्लांत हो जाती हैं, और ये सुमेरु की भूतपूर्व महारानी ये यहाँ भी स्वयं को महारानी ही समझकर बैठी हुई है। इससे तो मैं अप्सरा धर्म का पालन करवा कर ही रहूंगी। बस एक बार ये स्वर्ग लोक के नूपुर पहन ले, फिर तो इसके पांव स्वयं ही थिरक उठेंगे। अब या तो बल से या छल से, ये नुपुर तो मैं इसे
पहना कर ही रहूंगी। महारानी सच ही आ रही है। अंजना, प्रणाम देवी शची। हनुमान का कोई समाचार आया? हनुमान ने कई ग्रहों को मुक्त करा दिया है और अब तो देवराज भी ये समझ गए हैं कि संसार पर आए महासंकट का मोचन हनुमान ही कर सकते हैं। परंतु क्या देवी शची? परंतु अंजना, शनिदेव को मुक्त कराने गया हनुमान शनि लोक की प्रतिकूल परिस्थितियों में फंस गया है। क्या शनिदेव का प्रभाव तो भयंकर है, मेरा पुत्र उनके प्रभाव का सामना कैसे कर पाए? ईश्वर सब ठीक करेगा अंजना, उन पर भरोसा रखो। अब तो ये वानर शनि के प्रभाव से हिल भी नहीं सकेगा। अब मेरे कंठ काष्ठ के एक ही वार से इसका नाश हो जाएगा। ये क्या, मेरा कंठ काष्ठ इतना भारी कैसे हो गया? इतना भारी कैसे हो गया? मैं इसको वानर तक फेंक भी नहीं पाया। शनिदेव, ये क्या हो रहा है? यही है शनि की दशा का प्रभाव पाषाणासुर। तुमने मुझ पर शनि दशा का प्रभाव डाला? वापस लो इसे। नहीं ले सकता, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। मेरे प्रभाव से पहले देह में शिथिलता आएगी, फिर सोचने समझने की शक्ति शिथिल पड़ जाएगी, प्रतिक्रिया की शक्ति नष्ट हो जाएगी। भूल गए मुझे शनिदेव, मैं विनती करता हूँ अपना प्रभाव वापस ले लो। मैं विवश हूँ, शनि दशा का प्रभाव मैं स्वयं तो क्या कोई नहीं हटा सकता। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा पाषाणासुर। मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। पाषाणासुर हूं मैं। ये बाढ़ तो भयानक रूप धारण करती जा रही है। न जाने क्या होने वाला है, यदि भवन के भीतर जला गया तो? रक्षा करो प्रभु। हे महादेव, इस प्रलय को रोकिए। आप लोग शांत हो जाएं। पूजा और हवन आरंभ रखें। पूजा और भक्ति में बहुत शक्ति है, इस भक्ति की शक्ति से ही हनुमान और ग्रहों को बल प्राप्त होगा। शनि देव को
को बंदी बनाने वाले असुर, तुझे तो सीख देनी ही पड़ेगी। अब इसका एक ही हल है, जहां शक्ति कार्य ना करे वहां युक्ति का सहारा लेना पड़ता है। शबा। ये क्या? तुम तो बड़े ही विचित्र राक्षस हो, फिर भी रो रहे हो। क्या हुआ? हाँ बालक नहीं है, कौन है आप? कहाँ से आए हैं? मैं तो केसरी नंदन अंजना पुत्र हनुमान हूँ, सुमेरु से आया हूँ। स्वाहा। अब यज्ञ संपन्न हो गया है। इस यज्ञ की आहुतियां सीधे ग्रहों तक पहुंचेगी, जिससे उन्हें बल अवश्य प्राप्त होगा। तुम तो मां भली हो, मैं तुम्हारा भक्त हो गया हूं। ये तो हनुमान को अपनी बातों में उलझा रहा है। शनिदेव के प्रभाव से मेरी आंखें खुल गई। मैं जान गया हूं कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, परंतु मैं आपका सेवक बनकर अपनी भूल सुधारना चाहता हूं। हनुमान, ये तुम्हें अपनी बातों में उलझाकर समय नष्ट कर रहा है। माता नवदुर्गा के आशीर्वाद का स्मरण करो और अंत कर दो इसका। जय मां काल रात्रि। मानव दुर्गा के वरदान, बने हनुमत महाबलवान। पाषाण असुर भयभीत हुआ, उसने नया छलावा किया। राधा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। नारायण नारायण, व्रज की देह, लौकी शक्ति, पाषाणासुर धूल की भांति चून हो जाएगी तुम्हारी पाषाण की देह। अब शनि देव की मुक्ति को कोई नहीं रोक पाएगा। नारायण नारायण। तुम मेरे मित्र बनना चाहते हो ना? मैं तो तुम्हें अपना मित्र बना लूंगा, किंतु तुम्हें पहले शनि देव को मुक्त करना होगा। हाँ, क्यों नहीं? परंतु आप इतने बड़े महाबली हैं, मैं आपके चरण छूकर आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ठीक है।
लोगों के हाथ से वार करेगा मुझ पर? एक बार पूछ पकड़ में आ गई ना वानर, ऐसा फेंकूंगा अंतरिक्ष में, सारे देवता भी मिलकर ढूंढ नहीं पाएंगे तुझे। नारायण नारायण, बहुत चतुर समझ रहा है पाषाण असुर स्वयं को। उसे नहीं पता कि वो तो स्वयं ही मृत्यु के मुख में जा रहा है। मैं कैसे फिरकी बनाकर तुझसे खेलता हूँ? समय कम है और तुम खेलना चाहते हो? शनिदेव, अब आप अपना उचित स्थान ग्रहण कीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हनुमान, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। जो भी तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा वो शनि दशा से हमेशा के लिए मुक्त रहेगा। शनिदेव, आप मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे हैं? हनुमान, मैं भी तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूँ, किंतु मैं विवश हूँ। मेरी दृष्टि का प्रभाव तुम पर ना पड़े, इसलिए मैं तुम्हारी ओर दृष्टि भी नहीं उठा सकता। अभी तुम शीघ्र जाकर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह की स्थिति सामान्य करो। पूर्णिमा निकट ही है। मैं अब शीघ्र ही जाता हूँ देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव को मुक्त कराने। आज्ञा दें, प्रणाम। शीघ्र देखकर बताइए श्वसुर जी, ग्रहों की स्थिति क्या है? इतना विलंब क्यों हो रहा है? ग्रह सूचक यंत्र तो बता रहा है दशा, शनि भी मुक्त हो चुका है हमारे बंधन से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वानर बालक हनुमान, अब तेरा अंत करने के लिए स्वयं रावण आएगा। अपनी अंतिम घड़ियां गिनना आरंभ कर ले। परंतु दशानंद, राजमाता कैक्सी और योगिनी के बताए अनुसार युद्ध के लिए अभी उचित मुहूर्त नहीं आया है। बलवान मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करता श्वसुर जी, मुहूर्त बलवान की प्रतीक्षा करता है। और अब उस वानर बालक की मृत्यु
कलयुग का मुहूर्त हम बनाएंगे। रावण है हम। वानर, अब तुम्हारा काल बनकर आ रहा है। रावण। जय निकुंभला देवी। देव गुरु बृहस्पति, मैं आपको मुक्त कराने के लिए आ रहा हूँ। समय बहुत ही कम है, यदि कोई अन्य बाधा नहीं आई तो मैं आपको और शुक्र ग्रह को भी मुक्त करा लूंगा। देव गुरु बृहस्पति, मैं आपको मुक्त कराने के लिए आ रहा हूँ। समय बहुत ही कम है, यदि कोई अन्य बाधा नहीं आई तो मैं आपको और शुक्र ग्रह को भी मुक्त करा लूंगा। एक तरफ आपका अंश खड़ा है तो दूसरी तरफ आपका परम भक्त रावण। ये कैसी विडंबना है, कैसा युद्ध है ये, और क्या होगा इसका परिणाम स्वामी? मैं तुम्हारा